तुमसे मतलब? अरे ये वही है जिसके बारे में तुझे बताया था। अब कैसी है बेबी जी? बेबी जी आप बुरा ना मानना, वो क्या है ये आपको जानती नहीं है। हाँ तो जी कौन सी दीपिका पादुकोण है जो हमें नहीं जाना? ये मेरी बहन है झिलमिल। अच्छा सुनो, घर के मालिक को बुलाओ, क्या काम है हमें बताओ। अरे ये उनको देना है ना भाई। हलिया नहीं नहीं नहीं, ऋषि भाई साहब, ऋषि भाई साहब, भाभी जी। अरे भाई जी, ये मेरी सिस्टर और बिजनेस पार्टनर है झिलमिल, और आप लोगों की तारीफ तो मैं इससे करता ही रहता हूँ। क्यों आए? हाँ कैसे आना हुआ? ये आप लोगों को देना था। नहीं नहीं, ये कैसरोल हमारा नहीं है। नहीं नहीं, ये हमारा है। समझ गया, ये कैसरोल खाली है बेबी, हमें कुछ भर के देना है। क्या चाहिए मिसेस वर्मा? नहीं 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 नहीं, मैंने पाव भाजी बनाई है आप लोगों के लिए, गर्मा गर्म पाव भाजी। ओह दैट्स सो स्वीट, बट इसकी क्या जरूरत थी? नेबर्स आर लाइक इंश्योरेंस, जरूरत पड़ने पे काम आते हैं। ऑल दिस इज प्रीमियम, और इससे ना प्यार और व्यापार बना रहता है। व्यापार? भाभी जी जैसे अब आप इसको खाली तो लौटाएंगे नहीं, कुछ डाल के देंगे ना, तो हो गया ना लेन देन, व्यापार है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी तरफ से। थैंक यू। चल घर चलते हैं, तू चाय घर पे ही बना ली। अरे अरे, I'm so sorry, आप प्लीज चाय तो आप यहीं पी कर जाएंगे। अब भाभी जी आप इतना फोर्स कर रही हैं तो चाय तो पिएंगे ही ना। आप बेबी, अच्छा ठीक है चलो, तुम जो कर रही हो वो करो, मैं बना के लाती हूँ चाय आपके लिए, प्लीज बैठिए ना। हाँ यार बैठो। हाँ जी ऋषि भाई साहब, घर तो कमाल चमक रहा है आपका। अरे देखा नहीं आपने, बेबी कॉलिन से चमका रही है, घर तो चमकना ही है। भाई साहब मेंटेन तो करके रखा हुआ है। वैसे इस घर की ईएमआई कितनी है? ईएमआई? अरे लोन तो खत्म हो गया 6 महीने पहले। और गाड़ी की ईएमआई? वो तो पिछले साल ही खत्म हो गया था। इसका मतलब है ईएमआई के सारे पैसे बच रहे हैं आपके, हैं? हाँ सेव तो कर रहा हूँ, रिकरिंग अकाउंट खोल दिया है, लेकिन जैसे ही कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना इन्वेस्ट कर दूंगा। इनफैक्ट मैं पढ़ भी रहा था कुछ चीजों के बारे में। चाय इज हियर। 5 कप? हम लोग तो 4 ही है ना। हम 5 ही तो हैं। 5? पांचवा कौन है जी? अरे बेबी है ना। बेबी इस कप में चाय पिएगी तो और किस कप में पिएगी? 6 का सेट है मेरे पास। नहीं नहीं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, इन लोगों को ना सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, और वैसे भी इनमें और हमें कुछ तो फर्क होता है ना। जो आपके घर में पुराना कप है ना, वो आप बेबी के लिए रख दो। पुराना कप पुरानी सोच की निशानी है, अगर कुछ अलग ही करना है तो अपनी सोच को करिए। मतलब हम उनके हाथ के गुंदे आटे की रोटियां खा सकते हैं, इनके हाथ के छुए हुए बर्तन में खाना खा सकते हैं, उनके बनाए हुए बिस्तर पे सो सकते हैं, तो फिर सेम कप में चाय क्यों नहीं पी सकते? उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारी और आपकी सोच में बहुत फर्क है। कुछ भेजा मैंने आपको, देखिए। अच्छा जी, घर तो सही चमक रहा है तेरा। एक और कप देना। किसके लिए? मालती के लिए। कहाँ है उसका कप? तेरे सामने। सेम चमक तेरे घर में ही नहीं, तेरी सोच में भी है। जिनके घर कॉलिन से चमकते हैं उनकी सोच भी चमकती है। जिनके घर कॉलिन से चमकते हैं उनकी सोच भी चमकनी चाहिए ना मिस्टर वर्मा। जी। और पड़ोसी मुसीबत के वक्त काम आए या ना आए, लेकिन ये लोग तो दिन रात हमारे काम आते हैं। बेबी आ जाओ चाय पी लो। थक जी, चाय की खूब जरूरत आती, काम कर तो थक गए हम। पी लो आराम से, चाय बहुत टेस्टी बनी है। थैंक यू यार। देख झिलमिल, अपना पहला दाव तो ना बिल्कुल सही पड़ा है। अच्छा हो गया, कम से कम पाव भाजी ले जाना वेस्ट नहीं हुआ। हमें ये तो पता चल गया कि इन लोगों के पास पैसे हैं। पैसे तो हैं, लेकिन अब वो पैसे हमारे पास कैसे आए ये सोचना है बस। वैसे भैया ये लोग सही तो है ना? पागल, सही सही है नहीं, बहुत ही ज्यादा सही है। देख अपनी प्लानिंग के लिए ना ऐसे भोले भाले लोगों की जरूरत है। भैया भोले भाले हैं तो सीधे सीधे बात करते हैं ना, ऐसे ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अरे भोले भाले हैं लेकिन बेवकूफ थोड़ी ना है यार।
देख हमें अपना हर कदम ना बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ेगा, नहीं तो उनको शक हो जाएगा। तो फिर आपने क्या सोचा है, क्या करना है? देख सबसे पहले ना इनका भरोसा जीतना पड़ेगा। अच्छा वो कैसे? उनके पेट पे अटैक करके है? देख लोग कहते हैं कि दिल का रास्ता जो है ना वो पेट से होके जाता है, तो सबसे पहले उनका पेट जीतना होगा, उसके बाद उनका दिल जीतेंगे, उसके बाद उनका भरोसा जीतेंगे। है समझ? तो शुरू करते हैं पेट से भरोसा जीतने का सिलसिला। चीयर्स। चीयर्स। जिज्जी भैया हमें तुम लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखने है। अरे पहले हमारे सामने हमारी कॉफी तो रख दो प्लीज। अरे जीजी घर पे बैठे बैठे ऐसे कॉफी कब तक पियूं? अरे तुम बना दोगे यार, हम खड़े होके पी लेंगे। अरे भैया सोचो, ये गरम गरम कॉफी की चुस्कियां अगर तुम ठंडी ठंडी समुन्दर की हवा में ले रहे हो तो कैसे लगे? मन एकदम टन टनाटन हो जाए और स्किन एकदम टैन टनाटन हो जाए। धूप देखिए कितनी है बाहर। अरे चिची हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाहर से भी बाहर की बात कर रहे हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। स्पेन, स्पेन जाना चाहती हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अच्छा तो ठीक है भैया, दिल चाहता है कर लो, गोवा चल चले। किस खुशी में? देखो हम समझाते हैं, अब जब टमाटर को भाव कम हो जाते हैं तो तुम हमसे कह दो ना कि सब्जी में टमाटर नेक ज्यादा डालो और वो टमाटर की पूरी बना लो और आज टमाटर को सूप ही बने। तो जब पेट्रोल को भाव कम होगा तो बाकी फायदा तो उठाने पड़े ना, जो से कह रहे रोड ट्रिप। वाह क्या बात है, सो स्मार्ट। क्या पेट्रोल का भाव कम हुआ है 2 रुपए। चलो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से गोवा है अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर, गाड़ी एवरेज देती है 10 की, हाईवे पे मान लो 12, तो कितने लीटर पेट्रोल? 50 लीटर। 100 लीटर? 50 पिपी। बेबी वापस भी तो आएंगे ना, गो गोवा गॉन थोड़ी हो जाएंगे। 2 रुपए कम हुए, 104 रुपए लीटर के हिसाब से 100 लीटर पेट्रोल कितना हुआ? 10,400। एग्जैक्टली, और पुराना प्राइस था 106। 10,600। एग्जैक्टली, बचे 200 रुपए। अब यहाँ से गोवा जाएंगे तो वहाँ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, टोल देंगे, इन सब का खर्चा मान लो 25,000 रुपए तो हो गए मिनिमम। तो 25,000 प्लस 10,400 रुपए 35,400 रुपए फूंक दे हम 200 रुपए के डिस्काउंट के चक्कर में। ये वही बात हो गई, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला। मुर्गी नहीं भैया, हम करेला बना रहे खाने में। तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है आजकल। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा छोड़ो, जिंदगी एक जंग पे फोकस करो। आओ। मस्त, ये झिलमिल को देख के लगता है नहीं इतना अच्छा खाना बनाती होगी ना। तुम्हें भी देखकर लगता नहीं कि तुम इतना ठूस सकते हो। तुम्हें जितना खाने तुम खाओ ना, मेरे खाने पे नजर क्यों डाल रही है? अच्छा सुनो ना, तुम्हें दाल में कुछ काला नहीं नजर आ रहा? दाल कब भेजी थी, मुझे क्यों नहीं दी? अरे यार मैं ये बोल रही हूँ कि वर्मा सडनली हम पर इतना प्यार परोपकार कर रहे हैं, इज़न्ट इट वियर्ड? देखो दिवाली में उनके बेटे की जान बचाई थी मैंने, इट्स अ गुड डीड, इट्स अ बिग डीड, मे बी दे जस्ट पेइंग इट बैक। अच्छा तो उनके इमोशंस 2 साल के बाद जागे हैं। अरे यार मैं पहली बार देख रहा हूँ, खिलाने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, खाने वाले को प्रॉब्लम है। वी हैव यम्मी फूड इन अ प्लेट, लेट्स बी थैंकफुल, डिलाइटफुल, रिस्पेक्टफुल, स्पूनफुल, पेटफुल। क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैं कह रहा हूँ कि कोई ज्यादा प्यार दिखा रहे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, खाओ ना मजे से। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इसके पीछे कोई मतलब है उनका? तो तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? मुझे तो सब टेस्टी लग रहा है, हो सकता है कोई टिफिन सर्विस स्टार्ट की हो, फूड सर्विस, और सैम्पलिंग कर रहे हो हमारे साथ। अरे तो फीडबैक तो मांगना चाहिए। अच्छा फीडबैक नहीं मांग रहे हैं, फीडबैक मांगेंगे तो ये सब आना बंद हो जाएगा ना। अच्छा चलो ठीक है, अगर टिफिन सर्विस है तो फिर हम मंगा सकते हैं वीकेंड्स पे, चेंज ही हो जाएगा, और IPL भी चल रहा है, फ्रेंड्स आएंगे तो उनसे केटरिंग करवा लेंगे। बेस्ट। और देखो जब तक फीडबैक मांगे नहीं ना तुम कुछ बोलना मत, जैसा चल रहा है चलने दो, जो आ रहा है आने दो, खाते रहो मजे करो। ओके। हाय हाय अभिजी, कैसे हो? हेलो सर, कैसे हैं? बस बढ़िया यार। नमस्ते। नमस्ते। हाय हाय, क्या हुआ? कुछ लाए नहीं? नहीं तो नहीं, हम लोग एक्चुअली सोच रहे थे आप लोग कुछ लेकर आएंगे, तो बेबी खाना बनाओ। हाँ बना दें जीजी। आज हम आप लोगों से कुछ लेने आए हैं। क्या? खाली कैसरोल बेबी, खाली कैसरोल जाएगा तभी तो वहाँ से भर के आएगा। बेबी खाना मत बनाओ। भाई साहब
आप आराम से बैठो। भाभी जी आप बैठिए। वो जो हमने आप लोगों को खाना भेजा था ना, उसका हम फीडबैक लेने आए हैं। फीडबैक इतनी जल्दी? बेबी बनाओ खाना। आई मीन इतनी जल्दी भी क्या थी, फीडबैक हमने ही देना है, हम इधर ही रहते हैं, रुक जाते थोड़े दिन। भाई साहब लेकिन हमें ना अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी है ना एक्चुअली। तो मुझे पता है आपके वेंचर के बारे में। अरे आपको कैसे पता? अरे ऐसे ही थोड़ी इंडिया के टॉप क्रिएटिव डायरेक्टर्स में मेरा नाम आता है। वैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी है आपकी कस्टमर एक्विजिशन के लिए, पर फिक्र मत करो, आपके आधे से ज्यादा कस्टमर तो सोसाइटी में ही बन जाने हैं। यू आर गुड। इनफैक्ट हम भी आपके कस्टमर्स रियली बनना चाहते हैं, सीरियसली। आपको फीडबैक चाहिए था ना? एक सेकंड बेबी, इन्हें बताओ खाना कैसा बना था। बेबी देगी फीडबैक। बेबी इज द बेस्ट बावर्ची, बेबी से बेटर फीडबैक कोई दे ही नहीं सकता। वो फर्स्ट डिश पाव भाजी। या पाव भाजी से स्टार्ट कर। ए पाव भाजी खा के तो मैं पाव में दर्द होगा। क्या हाओ तुम लोगों ने कही थी ना कि पाव भाजी लाओ, पाव में तो भाजी आती, पाव तो होता ही नहीं। पाव लेने हमें जाना पड़ो और बाकी बात एक एक पाव को काट के बाव में बीच में मक्खन लगाने पड़ो और सेकने पड़ो और बाकी बात भैया हमसे कह रहे थे क्रिप्सी क्रिप्सी बनाओ, एक घंटा चौका में खड़े रहे, पाव दर्द होगा हमारा। अरे बेबी तुम वो छोड़ो यार, तुम छोले का फीडबैक दो, छोले कैसे बने थे? छोला खा के हमारे कमर में दर्द हो गई। छोले भारी थे क्या? छोले भारी नहीं हते, कच्चे हते, एक एक छोला चबा चबा के खाने पड़ो हमें। अरे तो कमर में दर्द कैसे हो गया, जबड़े में दर्द होगा ना। अरे भैया हम 15 मिनट में खाना निपटा देते हैं, बाद ना एक घंटा लग गया, एक जगह बैठे बैठे हमारी कमर अकड़ गई। कुछ भी बकवास करी जा रही हो बेबी, तुम कभी पैर में दर्द बोल रही हो, कभी कमर में दर्द बोल रही हो, तुम अंदर जाओ खाना बनाओ। हाँ जी जी। इसकी बातों को ना आप सीरियसली मत लो, खाना आपका यमी है यार, इनफैक्ट खाते खाते हमें भूख लग रही थी। हाँ छोले मतलब थोड़े कम ज्यादा थे बट मैनेजेबल। वैसे हमें फीडबैक खाने पर नहीं, हमें मसालों में चाहिए। जो आप लोगों ने खाना खाया ना उसमें हमारे मसाले डले थे, मसाला दे दो। पर वो तो खाने में मिक्स थे ना, हम खा गए, मसाले वापस कैसे दे दें? अरे नहीं नहीं भाई साहब, मसाला दे दो जो है ना, हमारे मसाले का ब्रांड है, मसाला दे दो। ओ बड़ा विचित्र ब्रांड है, मैं मसाला दे दो के पीछे ना गहरी सोच है, बहुत ही ज्यादा गहरी। देखिए आप दुकान पे जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि भाई चिकन मसाला दे दो है, पाव भाजी मसाला दे दो, चाट मसाला दे दो, तो दुकानदार को लगेगा कि हमारा ब्रांड ही मांगा जा रहा है, मतलब कंफ्यूजन ही खत्म। नेक्स्ट लेवल, क्या बात, नेक्स्ट लेवल। अब वो ना हमें इस ब्रांड को ना बहुत आगे तक लेके जाना है, तो उसमें आपकी सपोर्ट चाहिए हमें बस। ऑफ कोर्स यार, हमने सिर्फ आपका नमक नहीं आपके मसाले खाए हैं, यू हैव माय फुल सपोर्ट। इनफैक्ट आपका सोशल मीडिया ना मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, हमें फोकस ग्रुप को टारगेट करना चाहिए। आप अपने मसालों की जितनी वैरायटीज है ना वो हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, एक्वेंटेंसेस को, सबको भेज देंगे। आप बस मसाला दे दो, फीडबैक ले लो, फीडबैक ले लो, मसाला दे दो। नहीं नहीं भाई साहब, इसके लिए तो मैंने मार्केटिंग एजेंसी पहले से हायर कर ली है। वो क्या है ना कि मुझे किसी और सपोर्ट की जरूरत है। नो पैसा। आई गेट इट। रोहिणी कितने पड़े लॉकर में? लॉकर में होंगे करीब 20-25। कितने चाहिए? हमें तो सिर्फ 15 चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप 20 रख लीजिए, आपको जरूरत होगी अभी काम आएंगे। नहीं नहीं भाभी जी, वो 15 में काम चल जाएगा। क्या है ना कि कभी जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे, 15 और 20 में बहुत फर्क आ जाता है। कितना फर्क होता है यार, 5 का फर्क होता है। होता क्या है 5,000 में आजकल? हजार नहीं लाख। भाई साहब हमें 15 लाख रुपए की जरूरत है। 15 लाख। हाय गाइस, Today's video was done in partnership with Colin. हम सालों से अपने घरों को कॉलिन से चमकाते आ रहे हैं, लेकिन अब वक्त है अपनी सोच को चमकाने का। Yes, अपने घर की चमक के साथ साथ अपनी सोच की चमक से भी दूसरों को इम्प्रेस कीजिए। And it's time to end the भेदभाव we have towards our mates, यार। I mean, they're the lifelines of our home and everyone's homes. Yeah, और वो जो पुराना कप और प्लेट है ना, उसे हटाइए और उन्हें भी उतनी ही इज्जत दीजिए जितनी की हम देते हैं बेबी को। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है ये जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग। और आज के कहानी में आगे क्या होने वाला है ये आपको पता चलेगा थर्सडे को। सो वी विल सी यू नेक्स्ट वीक, आई मीन नेक्स्ट वीक थर्सडे। वी विल सी यू ऑन थर्सडे। टिल देन दिस इज ऑल ऑफ अस साइनिंग आउट। लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू।